तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ पटलाल, सच में यार इतना स्वादिष्ट खाना था, मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया। अभी सोडा पीना ही पड़ेगा। अब तो चलो फिर अब्दुल की दुकान पे जाके सोडा पीते और दोस्तों से गप्पे लड़ाते। चलो बस कोमल, दो चक्कर हो गए। नहीं नहीं हंस, एक और चक्कर लगाना होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस बार ना थोड़ा लंबा चक्कर मारते हैं। मतलब कि बाहर चलते हैं, चक्कर भी मार लेंगे और साथ साथ में कुल्फी भी खा लेंगे। वाह। क्या है ना कि अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छी डाइट होना भी बहुत जरूरी है, है ना? सही बात है। क्या बात है कोमल भाई, डॉक्टर आती है, सवारी कहाँ चली? बाहर जा रहे थे मटका कुल्फी खाने। वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्लान बनाया आपने भाई डॉक्टर आती, शानदार प्लान। क्या प्लान बन रहा है? मटका कुल्फी खाने का। अच्छा, अरे नहीं मैं कुल्फी का सिखा सकता हूँ। ये दोनों जा रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है मेहता साहब? जेठालाल, डॉक्टर आती और कोमल भाभी वो मटका कुल्फी खाने जा रहे हैं। अरे वाह, अकेले अकेले? नहीं नहीं अकेले नहीं, मैं और कोमल दुकेले जा रहे हैं। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो भाई? ये अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने। ये पोपट लाल ने जितना खाना खिला दिया मेहता साहब, कि उसे हजम करने के लिए अभी सोडा पीनी ही पड़ेगी। खिला दिया मतलब तुम्हें खाना नहीं था और पोपट लाल ने जबरदस्ती खिला दिया ऐसा? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, इतना स्वादिष्ट खाना था कि मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं खाते ही गया। वाह। अरे वाह, क्या क्या खाया जरा हमें भी तो बताइए। अरे हाथी भाई, एक से एक बढ़िया आइटम थी। एक तो नहीं, नहीं, मत बताओ भाई जेठालाल, मत बताओ, अब तो ख्याली पुलाव भी नहीं खा सकता मैं। अरे नहीं, मजाक थोड़ा सा। चलिए चलिए हाथी भाई, मेहता साहब, आप लोग भी चलिए सोडा पीने। नहीं नहीं पोपटलाल, आज तो मटका कुल्फी खाने का बड़ा मन है, मैं और कोमल तो मटका कुल्फी ही खाने जाएंगे। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप लोग रोज सोडा पीने जाते हैं, तो क्यों ना आज हमारे साथ मटका कुल्फी खाने चले। सही बात है, चल सकते हैं, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ चलेंगे मतलब कंपनी देने के लिए, खाएंगे नहीं। कंपनी देने क्यों जाएंगे? अरे खाएंगे भी। जो चेक बात, हम लोग खाएंगे। हाँ। सच्ची पुच्ची। अरे अंजलि, देखो बीवी हो तो ऐसी भाई, क्या बात है, मटका कुल्फी खाएंगे और नहीं तो क्या। इतने दिनों से आप मेरा स्ट्रिक्ट डाइट जो फॉलो कर रहे, एक कुल्फी की ट्रीट तो बनती। सही बात है। वाह अंजलि भाभी, वाह, बनती है भाई, बनती है। अभी जेठल पोपटलाल, तुम भी चलो हमारे साथ कुल्फी खाएंगे। हाँ, मैं मटका कुल्फी खा सकता हूँ क्योंकि मैंने लिमिट में खाया है, शायद जेठालाल नहीं खा पाएगा। नहीं नहीं भाई, एक आध कुल्फी तो उसकी जगह तो हो जाएगी भाई। वाह, तो अब चले। चलो एक मिनट मेहता साहब, मैं पपीता से और अय्यर भाई को भी बुला लेता हूँ। हाँ हाँ बुला लीजिए। पपीता जी कौन है? अरे मैं हूँ अय्यर भाई। क्या हो गया? पपीता जी कहाँ है? तुमको काम क्या है? क्या हुआ अय्यर? अरे पपीता जी। हाय जेठा जी, हम सब लोग मटका कुल्फी खाने जा रहे, आप भी चलिए ना साथ में। अरे हाँ हाँ श्योर, वाई नॉट। तुम नहीं आ रहे हो? अरे मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आइए आइए आइए। आत्माराम नहीं आ रहा? अरे ओ भिड़े और माधवी भाभी को भी बुला रहे। आइए आइए, आप लोग आइए। आइए आइए आइए, भिड़े को मैं बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है, बुलाओ बुलाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। भिड़े भिड़े, ओ भिड़े। अरे ये पोपटलाल चिल्ला क्यों रहे हो भाई, हड़ू क्या हुआ? अरे कितनी आवाज दी तुझे, तू सुन ही नहीं रहा तो क्या करूं? अरे तो मैं दरवाजे के पीछे नहीं खड़ा था पोपटलाल, जो तुमने आवाज दी और फटाक से आ गया। इंसान हूं, टाइम तो लगेगा ना आने में। कहाँ था, क्या कर रहा था? अरे वो मैं, तुम लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला क्यों रहा था वो बोलो? अरे कुछ नहीं, वो कुछ नहीं तो फिर चिल्ला चिल्ला के बुलाया क्यों पोपटलाल? कहा चलो? नहीं कुछ नहीं माधवी भाभी। ये देखो, ये भी कुछ नहीं बोल रहा है।
क्या झालं काय? अरे हम सब लोग वो मटका कुल्फी खाने जा रहे, तो आप दोनों भी चलिए हमारे साथ। अरे वाह, क्यों नहीं और चलते हैं ना कुल्फी खाने। हाँ तो चलते, मैं क्या मना कर रहा हूँ। अरे इतनी सी बात थी पोपटलाल, तो बोल देते ना कि कुल्फी खाने चलो, बोल ही नहीं रहे थे तुम। अरे भाई तूने पूरा बोलने कहा दिया, तो बोलू उसके पहले कुछ नहीं पटका दिया। झालो का है? कुछ नहीं। अरे आत्मराम तुम नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहे ना? आ रहे आ रहे। तो फिर उधर बालकनी में क्या कर रहा है? आ जाओ नीचे। हाँ ये तो है तो। हाँ, हाँ, आजा आजा भाई आजा। आ रहा मजा आ रहा। तो ये अचानक कुल्फी खाने का प्लान कैसे बन गया? हमारी वजह से। वो क्या है ना, आज मुझे और कोमल को कुल्फी खाने का अचानक से मन हो गया। हाँ तो हमने सोचा हम सब साथ में चलते हैं। और माधवी भाभी भी आ गए। तारक सोनी भाई को भी बुला लेते हैं ना। अरे पर रोशन भाभी तो उदवाड़ा गई हुई है ना। जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ उन्हें बुला लेते, वो घर पर अकेले होंगे। अरे हाँ 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 बुला लेते। नहीं नहीं छोटी भी घर पर नहीं है अंजलि भाभी। ओ मस्त पार्टी है। पार्टी? एक पार्टी की मस्त उसने गाड़ी रिपेयर कर दी। ओ पार्टी की गाड़ी, तो इसलिए उसके डिलीवरी देने गया है। अच्छा ओके। अच्छा चलो चलो चलते हैं। अच्छा, चलो, 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 चलो। अच्छा जेठा भाई चाचा जी को पूछ लीजिए ना। नहीं नहीं बापू जी नहीं आएंगे। नहीं नहीं आने के लिए नहीं कह रही हूँ, उनको पूछ लीजिए उनको कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो हम लोग साथ में लेके आएंगे ना सर। हाँ गुड आइडिया। नहीं वो बापू जी बाहर गए हैं और उनको आने में लेट होने वाला है। ओ अच्छा, वो कई हरकत नहीं। चलो चलो चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। मैं आओ आओ। मजा है अलग, कुछ आज मजा आएगा। कमल भाभी आती भाई बड़का गोल पे। हाँ बहुत। ओ अब्दुल भाई, अरे अरे क्या बात है क्या बात है, आज भाइयों के साथ भाभी लोग भी सोडा पीने के लिए आए। आइए आइए बेटी। अरे नहीं 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 आज सोडा पीने का प्लानिंग नहीं है, आज मटका कुल्फी खाने का प्लान है। मटका कुल्फी? लेकिन वो मेरे दुकान पे कहाँ? नहीं 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 मतलब तुम्हारे यहाँ नहीं, बाहर जाके मटका कुल्फी खाने का प्लान है। तुम भी चलो हमारे साथ। अरे नहीं नहीं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू क्या अब्दुल यार, चल हमारे साथ मजा आएगा। चल चल माता साहब वो बराबर बोल रहा है, वो दुकान छोड़ कर नहीं आ सकता ना, हम उसके लिए यहाँ लेके आएंगे ना मटका कुल्फी। अब्दुल कौन से खाएगा बोल, मलाई कुल्फी या केसर पिस्ता कौन सी? अरे नहीं 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 बस आप लोगों ने पूछा वही काफी है बस। अभी आप लोग सोडा नहीं पी रहे तो मैं जल्दी दुकान बंद करके जा रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं। चलो चलो चलो। ये तो अरे जोरदार जोर। अरे आ गया आ गया कुल्फी वाला आ गया भाई। वाह फेमस मटका कुल्फी। बोलिए बोलिए बबीता जी आप कौन सी कुल्फी खाएंगे? केसर पिस्ता। दो केसर पिस्ता भैया जी। बबीता तो एक ही खाएगा, दूसरा किसके लिए? दूसरा मेरे लिए, मुझे भी केसर पिस्ता ही पसंद है। तो फिर तीन बोल दो, मैं भी केसर पिस्ता खाएगा। हाँ तो बोला है कुल्फी वाले भाई इधर ही है, बोल दो भैया। दो केसर पिस्ता दे। ठीक है। क्यों दो आप नहीं खाएंगे? मैंने मेरा और बबीता का बोल दिया है, तुम तुम्हारा बोल दो। ठीक है भाई, तीन केसर पिस्ता मेरा बबीता जी का और अय्यर भाई का। जी ठीक है। और मेरे लिए एक मिनट आदरम, तुम क्या खाएंगे? अरे अय्यर भाई मैं ऑर्डर दे रहा था, तुम मुझे रोक क्यों दिया? सॉरी सॉरी तुम ऑर्डर दे रहा था। दो 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 आदरम, तुमने बोला नहीं तुम क्या खाएंगे। मैं अरे भाई बोलना जल्दी, तू नहीं बोल रहा है तो अय्यर भाई मुझे ऑर्डर नहीं देने दे रहे। हाँ बोलता हूँ माधवी, काय काय मलाई मलाई। हाँ हाँ मलाई। हाँ ओके, दो दो मलाई दो मलाई। और मेरे लिए तो अभी तीन केसर पिस्ता हो गया और दो मलाई बराबर। और मेरे लिए अरे एक मिनट आती मैं, रुको। पोपटलाल भी कब से रुका हुआ हूँ, अब नहीं रुक सकता। भैया मेरे लिए एक मलाई कुल्फी। जी ठीक है। और मेरी
मुफ्फतलाल, एक मिनट रुको जरा, कोमल का ऑर्डर बाकी है। कोमल, तुम क्या खाओगी? मुझे भी मलाई। भैया दो मलाई कुल्फी देना। जी हो गया भाई, सबका हो गया। भाई मेरा ऑर्डर बाकी है पोपटलाल। मेरा क्या अंजलि, हम दोनों का बाकी है। अंजलि कौन सी कुल्फी खाओगी? रबड़ी कुल्फी। रबड़ी, चलो मैं भी रबड़ी, दो रबड़ी कुल्फी भैया। जी सर। हो गया अभी सबका, अभी मैं ऑर्डर दूं। हो गया। तो भाई मेरी चॉकलेट कुल्फी। चॉकलेट कुल्फी तो नहीं है, केसर पिस्ता दे दो। केसर पिस्ता तो खत्म हो गई साहब, सिर्फ मलाई कुल्फी बची है। अरे तो मलाई कुल्फी दे दो भाई, लेकिन दो दो दो। अरे दो नहीं, एक मलाई कुल्फी दो। अच्छा अच्छा देता हूँ। बैठे बैठे बैठे। अरे हाँ जगह है ना। अरे सूरी का फोन आया था क्या पार्टी शार्टी के लिए? अरे हाँ मेहता साहब, कितनी बार फोन है, मानने को तैयार ही नहीं। आ जाओ पार्टी शार्टी के लिए आ जाओ। फिर मैंने और पोपट लाल ने तो फोन साइलेंट पे ही कर दिया। अरे मैंने भी यही किया, फोन साइलेंट पे कर दिया। और क्या करो, अब जी भी आया था, मैंने भी साइलेंट पे डाल दिया। मैंने भी साइलेंट पे कर दिया। आतिफ भाई। हाँ साइलेंट साइलेंट। सर ये रही आपकी कुल्फी। इतने दिनों बाद कुल्फी खा के मजा आ गया। तो भाई इतने दिनों बाद का गैप करने की जरूरत ही नहीं है, ये मजा रोज करेंगे, रोज खाएंगे कुल्फी। सही बात है। उंगली दी है, हाथ मत पकड़िए, चलिए। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो चलो। कुल्फी के पैसे? अरे हाँ मैं देती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता जी, क्या मैं दे देती हूँ, मैं हूँ ना, मैं देता हूँ। अरे कितना हुआ भाई? 700। क्या हुआ जेठा भाई? मेरा पर्स शायद घर पे रह गया। अरे कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। सॉरी आती भाई। चलिए चलिए। थैंक यू जेठा भाई, कुल्फी के पार्टी के लिए। नहीं नहीं, कुल्फी के पैसे मैंने नहीं दिए। तो किसने दिए? वो मैंने दिए। अरे अरे कब कैसे? अरे जेठा जी इट्स ओके ना, चलिए चलिए चलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया। बबीता जी ये गलत है, मैं दे रहा था ना। लेकिन एक बात तो है, बड़ा दिनों बाद इस तरह से कुल्फी खाने का मजा आ गया। बस अब इस मजे की गाड़ी पर ब्रेक लगाइए, आपको कल ऑफिस नहीं जाना? पता है ऑफिस जाना है, लेकिन मजा लिया है तो एक बार चर्चा तो करनी चाहिए ना। तुम चलो बस मैं आता हूँ, दोस्तों से थोड़ी देर गप लगा के आता हूँ। जा माजी तू पण जा मी आलोच। ठीक है आप लोग रुकिए, हम लोग चलते हैं। बबीता मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ठीक है। कोमल मैं भी थोड़ी देर यही हूँ, आता हूँ। हाँ हंस पर रहो, जल्दी घर पर आना, फिर से कुल्फी खाने मत जाना। अरे जेठल क्या हुआ? पैसे तो तुम देने वाले थे, फिर बबीता जी ने कैसे दिए कुल्फी के पैसे? अरे वो मैं अपना पर्स घर पे ही आज भूल गया। अरे मुझे बोला होता मैं दे देता। हाँ तो ठीक है लाओ, 700 रुपए मुझे दे दो, मैं अभी जाके बबीता जी को दे के आता हूँ। तुम क्यों देने जाएगा? मैं ना, मेरे को दे दो, मैं बबीता को दे देगा। अरे हाँ आप तो उसी घर में रहते हैं नहीं? हाँ ठीक है पोपटलाल, 1000 रुपए को दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। अच्छा तो अभी पास में एटीएम कहाँ खुला होगा? क्यों एटीएम? तो मैं ज्यादा कैश नहीं रखता हूँ।
पोपटला तुम अपने वॉलेट में 700 रुपए नहीं रखते? दिखाओ जरा। अरे क्या दिखाओ, क्या देखना क्या है? अरे मैंने बोला कि नहीं रखता हूँ तो नहीं रखता हूँ, तो देखना क्या है? विश्वास नहीं है क्या? भड़क गया मतलब पैसे है। अरे जगह भाई, अरे 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 भिड़े भाई, अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे सोडी भाई को फोन करो जल्दी से। क्यों क्या हुआ? अरे बहुत गुस्से में हूं। सोडी भाई आप लोग को कब से फोन कर रहे हैं और आप लोग है कि फोन ही नहीं उठा रहे। इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि गोकुल सोसाइटी जा और उनको कहे कि मुझे फोन करे। मैं घर जाते जाते आधे रास्ते से वापस आया। अरे हाँ सोडी को तो 5 मिस कॉल है। मेरे को भी 4 मिस कॉल है। मुझे तो 7 बार है। मुझे 6 मिस कॉल है। मुझे 8 मिस कॉल है। और मुझे 10 बार 10 मिस कॉल की है उसने मुझे। अरे आप तो फोन करो वरना वो मुझे वापस फोन करेंगे। नहीं 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 करते, फोन करते तू निकल निकल। ओके ओके थैंक यू अपनी। हाँ सोडी भी ना पार्टी जाड़ी के लिए पीछे ही पड़ गया। तो क्या करना है, जाना है? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि सोडी ने पार्टी शार्टी के लिए कॉल किए इतने सारे। तो क्या अगर पार्टी शार्टी के लिए कॉल करता तो शायद कॉल करके छोड़ देता, लेकिन इतनी बार हम सबको कॉल किया और हमने कॉल नहीं उठाया तो अब्दुल को भेजा, इसका मतलब कोई इमरजेंसी है। अरे प्यून का लफड़ा तो नहीं निकला? ओ यारो वो तुसी भी कमाल कर दियो, वो कब से फोन लगा रहो, कोई फोन ही नहीं चुकता। सोड़ी सबके फोन साइलेंट पे है। हाँ सबके? हाँ सोड़ी वो सबने अपने फोन साइलेंट पे कर दिए थे। क्यों? वो तू बार बार पार्ट तू बार बार पार्टी शार्टी में आने के लिए बोल रहा था इसलिए भाई। अरे जेठा प्रा मैं पार्टी शार्टी के लिए फोन नहीं कर रहा था। तो वो जेठा प्रा गल ऐसी है कि जिसे सुनते ही तोड़े पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो चक्कर खा के तुसी बेहोश हो जाओगे। मैं? हाँ तुसी। क्यों? अब सबके सामने कैसे बताऊं तोनू? जरा साइड में आना। वो मैंने जेठा प्रा को साइड में बुलाया था, तुसी सारे कितने आ गए? जेठा प्रा जरा साइड में। क्यों? वो जेठा प्रा समझा करो, वो गली कुछ ऐसी है जो सबके सामने नहीं बता सकता। अरे सोडी यहाँ कोई पराया नहीं है भाई, सब अपने हैं। हाँ सोडी भूल गए तुम, गोकुलम सोसाइटी एक परिवार है। सही बात है। बता 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 दे भाई। हाँ बोलो जेठा प्रा बता दूं? अरे बता भाई। इतने नहीं आओ गार्डन में आओ। अरे बता ना सोडी क्या है। वो जेठा प्रा इतने नहीं बता सकता। तो क्यों नहीं बता सकता? हाँ सोडी अगर वो गल मैंने इतने बता दी तो तुम सारों की चीख निकल जाएगी, फिर सारी सोसाइटी इकट्ठा हो जाएगी। चलो माइटी का है। रुक जा अरे रुक जा, इधर मेरी आंख फड़क रही है, उधर सोड़ी जलबिन मछली की तरह तड़प रहा है खबर सुनाने के लिए। पता नहीं ऐसी कौन सी खबर है सुनाने के लिए इतना तड़प रहा है कि किसी ने फोन नहीं उठाया तो अब्दुल को भेज दिया और खुद भी आ गया है। और पता नहीं क्या खबर है जिसे सुनाने के पहले चेतावनी दे दी है कि ये सुन के चीख निकल जाएगी सबकी। ऐसी कौन सी खबर हो सकती है? मैं जानता हूँ आप भी मेरी तरह उत्सुक हैं ये जानने के लिए खबर कौन थी, तो आप अपनी उत्सुकता बनाए रखिए क्योंकि जल्दी इस खबर से पर्दा हटने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि ये सनसनीखेज खबर आखिर क्या है। पता चलेगा, देखना पड़ेगा सोमवार का एपिसोड, देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.